भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की सालों की मेहनत अब रंग लाने वाली है। इसरो का सपना अब सच होने वाला है। लगभग 700 करोड़ में लॉन्च किया गया मिशन चंद्रयान 3 सफलता के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसरो के लिए बड़ी सफलता तो तब थी जब चंद्रयान चंद्रमा की कक्ष में दाखिल हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती गुरुत्वाकर्षण की थी, जिसे चंद्रयान ने बखूबी पास कर लिया और अब इसने चंद्रमा की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने चंद्रयान की एक कक्षा और घटा दी है, यानी अब यह चंद्रमा के और करीब में चक्कर लगाएगा। इससे पहले चंद्रयान 170/14,313 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, अब ये 174/1,437 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगाएगा। लगभग 22 दिन का सफर तय कर चंद्रयान चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था, जिसके बाद चंद्रयान ने चंद्रमा की खूबसूरत तस्वीरें भी भेजी थी। लेकिन अब इसरो की ओर से खुशी की खबर ये सामने आई है। चंद्रयान 3 भले ही सभी संवेदक और दोनों इंजन काम करे या न करे, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा। चंद्रयान अभी दो बार और अपनी कक्षा बदलेगा और धीरे धीरे चंद्रमा के करीब जाता रहेगा, जिसके बाद लैंडर रोवर के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सबसे खास बात तो ये है कि भारत चंद्रयान की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कराने वाला है, जहां अभी किसी देश ने लैंडिंग नहीं करवाई है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर 14 दिन तक चांद पर मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी इकट्ठा करेंगे। पहले लैंडर उतरेगा और फिर उसमें से रोवर बाहर आएगा। रोवर बाहर कुछ दूर तक चलकर रिसर्च करेगा और सारी जानकारी लैंडर को देगा। लैंडर सारी इंफॉर्मेशन ऑर्बिटर को पास करेगा, जो कि धरती तक ट्रांसमिशन करेगा। इस दौरान चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन किया जाएगा, चंद्रमा पर भूकंप के बारे में पता लगाया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी ध्रुव बेहद ठंडा रहता है, ऐसे में यहाँ पानी की मौजूदगी की भी जानकारी मिल सकती है।